दोस्तों, मुश्किल चीजों को आसान बनाते हुए आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं MES के बारे में। MES, अरे भाई, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब आप सबको तो पता ही होगा ना कि पढ़ने लिखने के पीछे हमारा बस एक एम होता है, और वो है गवर्नमेंट जॉब लेना। लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, उस गवर्नमेंट जॉब की प्रोफाइल कैसी है, हमारी सैलरी कितने होने वाली है, हमारा प्रमोशन कैसे कैसे होता है, और हमारा ट्रांसफ़र कब कब होता है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि वो डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड कराता है। इसी राज से पर्दा उठाने के लिए मैंने हेल्प ली है मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई श्याम मोहन सर से, जो कि अभी MES डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर है और नागालैंड में पोस्टेड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हार्ड टू सिंपल। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं, अगर आप भी MES में जॉब करते हैं तो ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं और इस जॉब को बेहद खास बनाती हैं। अब ये फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है ना यार कि इसके बारे में बताते बताते मैं ही थक जाऊँ। वैसे कैंटीन कार्ड के बारे में तो आपने खुद भी सुना होगा, जिसके थ्रू आप किसी भी आर्मी की कैंटीन से किसी भी प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप लाइफ में कभी बीमार भी पड़ जाते हैं ना, तो इसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू आप इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसका खर्चा भी आपको गवर्नमेंट खुद ही देती है। और फिर कैंटोनमेंट एरिया के भी अपने अलग ही फायदे हैं। अगर आप जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, या फिर ऐसे बंदे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मुफ्त में। और अगर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर सिनेमा हॉल भी मिल जाता है, जिसमें आप फ्री में मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। और फिर कैंटोनमेंट एरिया के अंदर ही आने जाने के लिए या फिर स्टेशन एयरपोर्ट आने जाने के लिए आपको बस सर्विस भी फ्री में मिलती है, जिसको कॉन्वॉय भी बोलते हैं। दोस्तों, इसकी फूड फैसिलिटीज़ के अंदर ना आपके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें आपके और आपकी फैमिली के राशन का खर्चा भी सरकार खुद ही देती है। और यार, आपकी फैमिली से याद आया कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ही प्रायोरिटी मिलती है। और यही नहीं यार, आपके बाल काटने, आपके कपड़ों पर इस्त्री करने की सर्विस भी आपको मुफ्त में मिलती है। और ये थी इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो कि MES डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। आप हमें खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, इसकी जॉब प्रोफाइल समझने से पहले जानते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। अब नाम से समझ में आ रहा है कि यार, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारी मिलिट्री को ना इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इंजीनियरिंग में भी यार सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी जो कोर ब्रांचेस होती है ना, वो हेल्प करती है हमारी आर्म फोर्सेस को। अब आर्म फोर्स के अंदर आती है आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, जिसके सिर्फ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का बजट ही 13,000 करोड़ पर ईयर का रखा जाता है। और शायद आपको पता हो कि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जहां पर हर तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है। अब चाहे हमारी आर्म फोर्सेस के लिए वो डॉकयार्ड बनाना हो, हार्बर बनाना हो, रोड्स बनानी हो, रनवे बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, वर्कशॉप बनानी हो, या फिर हॉस्पिटल बनाना हो, हर तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर किया जाता है। साथ ही जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो सिविल के दो सेक्शन होते हैं। एक होता है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर सारा ऑफिशियल वर्क किया जाता है। अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर बनाना हो, बिलिंग करना हो, या फिर पेमेंट करना हो, ये सारा का सारा वर्क QS&C के अंडर में आता है। वहीं सिविल के दूसरे सेक्शन के अंडर में सारा साइट वर्क होता है, जहाँ पर आप हर तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं। तो दोस्तों, फैसिलिटीज, डिपार्टमेंट, जॉब प्रोफाइल, इन सब के बारे में जानने के बाद ना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार, ये बताया जाए इसकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी के बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले बात करते हैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में। तो यार, अगर आप SSC के थ्रू JEE की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो 12 से 15 साल की सर्विस पीरियड में आपका प्रमोशन AE की पोस्ट पर कर दिया जाता है, और वहीं आपका ट्रांसफ़र शुरू के 10 सालों में हर 3 साल के गैप पर किया जाता है। अब ये शुरू के 10 साल कंप्लीट करने के बाद ना, आपके ट्रांसफ़र का गैप 2 साल कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ट्रांसफ़र है वो कमांड टू कमांड होता है। अब आप चाहें तो म्यूचुअली चेंज करके अपनी कमांड भी बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी यार डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पर और अलाउंसेस पर, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में 45,000 तो मिल ही जाते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़कर आपके 1 लाख पर मंथ तक भी पहुंच जाते हैं।
और अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए लोगों को जानने, उनके कल्चर को समझने और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने के साथ ही साथ हर तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के ऐसे बहुत से मौके मिल जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।